जहां आपके पटियाला की बड़ी सब्जी मंडी सानौर रोड पर कर्फ्यू के दौरान सब्जी लेने पहुंचे लोगों ने पुलिस की टीम पर तलवार से हमला कर दिया। इस हमले में एक पुलिस वाले का हाथ कट गया जबकि दो पुलिस वाले बुरी तरीके से जख्मी हो गए। पुलिस ने इस पर बताया कि चार पांच निहंगों का एक समूह गाड़ी में यात्रा कर रहा था और मंडी बोर्ड के अधिकारियों ने सुबह करीब 6:15 बजे एक सब्जी बाजार के पास उन्हें रुकने के लिए कहा। पटियाला के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मनदीप सिंह सिद्धू ने उनसे कर्फ्यू पास दिखाने की बात कही लेकिन उन्होंने अपनी गाड़ी से दरवाजे और वहां लगाए गए अवरोधकों पर टक्कर मार दी। तलवार से एक सहायक एएसआई का हाथ भी उन्होंने काट डाला। एएसआई को राजेंद्र अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां से उसे PGIMER चंडीगढ़ के लिए रेफर कर दिया गया। एसएसपी ने इस पर कहा कि हमले के बाद निहंग मौके से फरार हो गए। उनकी गिरफ्तारी के लगातार यहां पर प्रयास किए जा रहे हैं। ये वारदात जब हुई जब कोरोना वायरस के प्रकोप के मद्देनजर राज्य में पाबंदियां लागू हैं। पंजाब में पिछले 24 घंटों के भीतर कर्फ्यू और लॉकडाउन के नियमों की पालना करवा रही पुलिस टीम पर हमले की ये तीसरी बड़ी घटना है। कोरोना वायरस के कारण पूरी दुनिया में इस वक्त